हेलो फ्रेंड्स, नई वीडियो में आपको लेके चलता हूँ जिसके अंदर हम करेंगे रिम में कलर। ठीक है ना, ये जो डैमेज वगैरह दिख रहे हैं ना उसको सब हम रिमूव करेंगे और एक नया कलर करेंगे। ठीक है ना, तो सिल्वर कलर की जो रिंग्स के कलर करेंगे, सीन है ना, लाइट सिल्वर कलर का। ठीक है, ये सारे डैमेज को हम घिस के, सनफरा लगा के, जो पेपर रगड़ के, माजून लगा के, इसको क्लियर करके आपको बताऊंगा नई रिंग एकदम कैसी। ठीक है ना, तो हमारे पास आज गाड़ी है, उसका नाम है OD6 के चारों टायर को हम कलर करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो में बने रहें और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करें। ठीक है ना, कमेंट्स में मैं हर चीज़ बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो चलो, आपने देख लिया तो ये जो पेपर है, ये पेपर 400 का, 240 का, ऐसे पेपर से हम इसकी घिसाई करेंगे। ठीक है ना, पहले हम इसमें माजून लगाएंगे अच्छी तरह से, घिसेंगे घिसेंगे किस लिए, जो डेंट वगैरह हो गए हैं, घिसाई वगैरह जो रगड़ आ गई है गाड़ी के रिंगों के अंदर, ये सारी रगड़ को हम दूर करने के लिए, डेंट एंड को सब करने के, इसको अच्छा माजून लगा के पहले सेम कंपनी की कैसी रिंगे थी ऐसे ऐसा आकार देंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम प्रेशर करेंगे। ये पेपर देख रहे हो ना, 400 का पेपर मारेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर हमको पूरा कर देना। ये घिसाई करने से क्या है ना, हमारा कलर है ना, कलर वो भी अच्छा पकड़। देखो ये 220 का पेपर है, पेपर से अच्छा रेजमाल, रेजमाल बोलते हैं इंडिया में, रेजमाल से अच्छा घिस देंगे, घिस के इसके ऐसा फिनिशिंग देंगे ना, मतलब कुछ भी हमको ये जो हाथ लगाए तो जरा सा भी वो नहीं होना चाहिए, क्या नाम है, कोई भी टच नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथली होना चाहिए। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करते रहो, लाइक करो तो मैं और वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना तो कमेंट्स कर देना। जैसे आप घिसोगे ना, आपके हाथों में ऐसा सफ़ेद पाउडर आएगा, पाउडर टाइप, तो पता चलेगा आपको घिसाई हो रही है। और ऐसा भी नहीं घिस देना एक तरफ ज़्यादा एक तरफ ज़्यादा, पहले माजून भरना। ठीक है ना, माजून मालूम है ना, हदीद माजून, वो भर के अच्छे से फिर वो माजून को घिसना है तो घिसना, डायरेक्ट रिंग पे मत मार देना। ठीक है, दमादम दे, स्क्रैच स्क्रैच आ जाए। ठीक है ना, वो स्क्रैच वगैरह डैमेज वगैरह क्लियर करने के लिए ही ये माजून वगैरह भर रहा है। ठीक है, तो बस ये वीडियो में ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और माजून को अच्छी तरह से घिस लेना, जो 400 का पेपर है, 220 का पेपर है, इसीलिए ठीक है ना, इसे धो लेना। फिर माजून को हम क्या है ना, शैम्पू से साफ कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे तो माजून पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा एकदम, माजून हमको सफाई कर देंगे। ठीक है ना, अच्छा सा घिस के माजून को पूरा साफ करके क्लियर करके हम रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, एक मिनट, तो इस तरह से हमने जो देखा ना, माजून को हम सफाई कर लेंगे। ठीक है ना, माजून भी साफ करना जरूरी, पाउडर वगैरह जो भी रहेगा ना, मतलब घिसाई करने के बाद जो पाउडर वगैरह आता है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ठीक है ना, शैम्पू वगैरह डाल के अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हो ना, एज इट इज ही करना, वीडियो को आगे बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के देखोगे तो फायदा नहीं है, और टीम वर्क के साथ काम करना। ठीक है ना, आप अकेले कर सकते। ठीक है, ये जो शैम्पू लिया भाई ने, ठीक है ना, यस, ये शैम्पू से अच्छा से साफ कर लेना, जो पाउडर वगैरह केमिकल वगैरह सब एकदम कोरी कर लेनी। ठीक है ना, जो पाउडर वगैरह था, माजून वगैरह था, वो सब क्लीन कर देना एकदम क्लीन। ठीक है, अच्छा सा क्लीन करके रख लेना है, अच्छा सा क्लीन करके रख के ये जो भी जैसे धो लेना फिर। ठीक है, धोने के बाद हम क्या, चारों तरफ उसको हम क्या करेंगे मालूम, पेपर से कवर लेंगे, कवर कर लेंगे। किसको कवर करेंगे, जो टायर्स रहते हैं ना उनको, टायर को कलर करके, मतलब कवर करके रख लेंगे, ढक देंगे खाली, क्योंकि हमको कलर किस में करना है, रिंग के अंदर करना है, तो रिंग को ही सिर्फ रहने देंगे। ठीक है, एक एक चीज़ में, अब देखो ये जैसे कवर करके जो बता रहा है, इस तरह बीच में देख रहे हैं, ये साफ करके अच्छा सुखा लिया है, सुखा के सुखा के रख देंगे, पानी वगैरह सुखाना तो पड़ेगा ना, वो सुखा लेना। ठीक है ना, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट का काम है। ठीक है, ये चारों रिंगों को एक तरफ साइड टू साइड में रख के इस तरह पूरा कवर कर लेना। कवर करने के बाद थोड़ा हवा मार देना, अच्छा स्प्रे कर देना, फिर हमको कलर मारना। ठीक है ना, स्प्रे कलर सिल्वर कलर मारना, सिल्वर कलर एकदम सिल्वर कलर मारेंगे। ठीक है ना, दो हाथ से कलर, दो बार कलर मारना, एक बार ऐसा कलर हल्का उड़ाना, फिर दूसरा कलर उड़ाना। ठीक है ना, कलर करने के ऐसा पेपर से पूरा कवर करने के बाद हमको ऐसा स्प्रे कलर उड़ाना, स्प्रे कलर उड़ाना। ठीक है ना, एक भी चीज़ बाकी नहीं रहे, इसको आगे पीछे करके अच्छा सा लगाना है। ठीक है ना, ये देखो ये मैंने ये जो है ना हवा भरने का, उसको भी कवर करके रखा, पेपर से ढक के रखा, क्यों वहाँ पर हमको कलर करना नहीं है। ठीक है, और आराम से काम करना। ठीक है, जिस तरह से दिख रहा है ना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना। तो क्या करो भाई, वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है ना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों में, और ये बहुत काम की चीज़ है, कोएज वगैरह में अगर ये काम भी अगर आपको मालूम है, अच्छी सैलरी कमा सकते हो और प्रोफेशनल काम है। ठीक है, फिर हमको करने के बाद हम क्या करेंगे मालूम है, इसको आधा घंटे के बाद हम इस पर लेकर मारेंगे, लेकर मारेंगे ना, लेकर जो लेकर रहता है ना, वो क्या करता है, उसका मेन काम रहता है शाइनिंग देने का, क्योंकि शाइनिंग तो देनी पड़ेगी भाई हमको गाड़ी के अंदर, मतलब कलर करने से तो नहीं होगा, कलर तो कैसा लगेगा मालूम है आपको, थोड़ा
मछली लगेगा, मछली बोले तो मैट लगेगा, मैट ठीक है ना, मैट कलर पसंद नहीं करता कोई भी कस्टमर, तो शाइनिंग के लिए हम लिक्कर मारेंगे ठीक है ना, उसका वाइट शफाफ रिजाना लिक्कर मारेंगे, लिक्कर मारने से ऐसा ब्लिंग ब्लिंग शाइनिंग आएगी ठीक है ना, फिर आपका काम होगा ओके, एक नंबर काम ठीक है ना, तो गाड़ी का मजा आएगा। जिस तरह से देख रहे हैं ना ये भाई कैसा मारा, लिक्कर भी दो हाथ मारना है, दो हाथ बोले तो दो बार करना, क्योंकि एक बार मारोगे हल्का चिपक गया थोड़ी सी इधर उधर रह गया तो फिर मारेंगे, लेकिन ये है ना ये पूरा कमरा वगैरह सिक्योर चाहिए, और जब आप लिक्योर मारेंगे तो आप मास्क जरूर पहनना ठीक है ना, मास्क पहनना लिक्योर के अंदर मास्क जरूरी है ठीक है भाई, कलर वगैरह करना में भी मास्क करना, प्रॉपर तरीके से करना है भाई काम, तो आप ये मास्क वगैरह रखना ठीक है। ये देखो लेकर मार दिया, ये दूसरी स्टेप भी मारेंगे, यानी कि दो स्टेप में लेकर मारना ठीक है, तो काम को बोलने से ज़्यादा देख के सीखो ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, समझो काम को ठीक है ना, तो ये काम भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम है, स्प्रे वगैरह में कोई बड़ा कारीगर बनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप चार पांच वीडियो देखोगे या थोड़ा 4-2 महीने करोगे ना एक नंबर के टेक्नीशियन बन जाओगे, मोलिम बन जाओगे ठीक है ना, और आराम से पैसा कमा सकते हो भाई। क्या काम कर सकते हो, मैं व्हील प्रोटेक्शन का काम करता हूँ, और व्हील का कलर करने का काम था, रिम के स्प्रे पेंट का काम करता हूँ, स्प्रे पेंट का काम बोलते हैं इसको ठीक है ना, ये काम बहुत ही अच्छा चलता है कुवैत के अंदर, और यहाँ पे क्या गाड़ियाँ में डैमेज आ ही जाता है, तो ये काम बहुत अच्छा है, इस काम को सीखो, मतलब गाड़ी की पूरी गाड़ी को कलर करना सीखो, लेकिन ये व्हील कलर करना भी एक इसका एक पार्ट से एक हिस्सा है, ये करना भी बहुत ज़रूरी है ठीक है, हर कलर कर सकते हो अब इस तरीके, लाल पीला हरा नीला ब्लू कोई सा भी आपको जो भी कलर अच्छा लगता है कर सकते हो ठीक है, लेकिन मास्क जरूर पहनना जब आप लिक्योर करो तो ठीक है ना, लिक्योर करो तो ज़रूरी है ठीक है भाई। लेकिन और दूसरी बात बताऊँ, ये लिक्योर है ना ऐसे नहीं सूखता है, लिक्योर तो सूखा नहीं, कम से कम 4 घंटे चाहिए ठीक है ना, और ये है गाड़ी के व्हील्स के लोगो ठीक है ना, जो बीच में एक रहते हैं ना जो गाड़ी को बताते कि भाई इस गाड़ी का है, इसी गाड़ी की पहचान है, इसको भी हम कलर कर सकते हैं, ये भी कलर नहीं किए हैं तो कंपनी के नए लेके आए थे वो लगे ठीक है, इसको भी कलर करके हम ऐसे बना सकते हैं इसीलिए ऑलरेडी ठीक है। तो समझ में आ रहा है वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ठीक है, क्योंकि मेरी इस वीडियो के अंदर मैंने हर तरह के वीडियो बनाए, गाड़ी के व्हील प्रोटेक्शन का काम भी बताया है, लेमिनेशन का काम बताया है, गाड़ी के टिंट का काम बताया है, यानी कि मेरे चैनल के अंदर हर तरह का काम है, कुवैत के अंदर जो भी विदेश के अंदर किसी टाइप के जो भी स्टेप, ये हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है ना, 4 घंटे के बाद हम इसको रेडी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सारा ठीक है, तो लाइक कर दो वीडियो को ठीक है, और ये लोगों लगा कि ये कंप्लीट काम ठीक है ना, तो काम करने में मज़ा भी आएगा आपको, काम प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों में भी बताओ, और आपके भी करना हो तो आप भी पता, आपको भी नॉलेज होना चाहिए, आपकी खुद की गाड़ी में भी किसी के पास करवाने जाओ तो ठीक है, तो मेरा काम यहाँ फिनिश होता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना ठीक है भाई, अच्छा दुआ में याद रखना, और संत इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे।